हाय, मूवी शुरू होती है हैलोवीन के नाइट पे और हम हार्पर को उसके रूम में देखते हैं जो कि काफी रो रही थी क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड और उसके बीच में काफी झगड़ा हुआ था और उसका बॉयफ्रेंड उसे बहुत ही सता रहा था। इसीलिए हार्पर की रूममेट बेली और उसके जो दोस्त रहते हैं एंजेला और मैरली, उन्हें जब इसके बारे में पता लगता है तब बेली हार्पर को उसके बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप करने के लिए कहती है और उसका मूड अच्छा करने के लिए वे लोग एक हैलोवीन के पार्टी के लिए पब में चले जाते हैं। अब ये चारों भी काफी मजे कर रहे थे तभी बेली को उसका पुराना दोस्त नेथन मिलता है। नेथन यहाँ पे उसके दोस्त इवान से आया था। अभी छह लोग काफी मजे करते हैं। कुछ समय के बाद हार्पर को घर जाना था, इसीलिए जब वो पब से बाहर आती है तब डेविल मास्क पहने हुए कोई आदमी उसका पीछा करते हुए उसे दिखाई देता है। तभी पीछे से नेथन बाहर आता है और हार्पर जब वापस पीछे मुड़ के देखती है तब वहाँ पे कोई भी नहीं था। नेथन उसे वहीं पे रुकने के लिए कहता है और एक एक करके सब लोग बाहर आ जाते हैं। अब ये छह लोग यानी हार्पर, नेथन, बेली, एंजेला, मेलरी और इवान, इनको और भी मजे करने थे, इसलिए ये लोग सोच ही रहे होते हैं तभी नेथन को जमीन पे एक अजीब सा पेपर दिखाई देता है। पेपर को देखता है तो उस पे लिखा हुआ था एक्सट्रीम हंट हॉन्टेड हाउस, यानी यहाँ पे कुछ तो मजेदार होने वाला था, इसीलिए सब लोग वहाँ जाने का फैसला करते हैं। काफी ढूंढने के बाद जंगल के बीच में उन्हें वो एड्रेस मिल जाता है। अब ये लोग कार से आ ही रहे होते हैं तब कुछ लोगों को ये लोग अंदर जाते हुए देखते हैं। उसी दरमियान ये लोग भी पहुंच जाते हैं। अब हॉन्टेड हाउस के सामने उन्हें बहुत ही डरावना एक जोकर दिखाई देता है। बेली उसे कुछ पूछने जाती है और एक ट्रिक करके वो उसे एक चाबी देता है जो कि वहां पे रखे एक बॉक्स की थी। बेली उस बॉक्स को खोलती है और उसमें एक पेपर पे कुछ रूल्स लिखे हुए थे इस गेम के, जिसमें सबसे पहले इन्हें अपने मोबाइल इसी बॉक्स पे रखने थे और अंदर की किसी भी चीज को इन्हें हाथ नहीं लगाना था और इन पेपर पे इन्हें साइन करना था। अब ये लोग बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड रहते हैं इसीलिए ये लोग पेपर पे साइन करते हैं बिना सोचे और अंदर चले जाते हैं। अब स्टार्टिंग में इवान के सामने ही एक कंगाल आ जाता है जिससे वो डरता तो है लेकिन उन्हें मजाक लगता है और ये लोग आगे निकलते हैं। आगे उन्हें कांच के पार्टीशन का एक रूम दिखाई देता है और उसी में एक मास्क वाली औरत रहती है जो बहुत ही डरावनी थी। वो औरत एक बैग को खींचती है और उसका चैन निकालती है तो उसमें एक लड़की होती है। वो लड़की इन्हें देख काफी रोने लगती है और इनसे मदद मांगने लगती है लेकिन वो डरावनी औरत एक लोहे की गरम गरम सलिया निकालती है और उसके चेहरे पर वो लगाती है और अचानक से उस रूम में बहुत ही ज्यादा धुआं आ जाता है और थोड़ी देर के बाद उस लड़की की चीखें रुक जाती है, सब कुछ शांत हो जाता है। वहां पे ना तो वो लड़की थी ना तो वो औरत। अब इन सबको लगता है कि ये उनके मनोरंजन का एक एक्ट था और वो लड़की की मौत सच नहीं थी लेकिन उन्हें पता नहीं था वो सच में लड़की मारी गई थी। अब ये लोग आगे बढ़ते हैं और उन्हें दो रास्ते दिखाई देते हैं, एक था सेफ और एक था नॉट सेफ। अब यहाँ नेथन, बेली और एंजेला तीनों सेफ रास्ते पे जाते हैं तो हार्पर, इवान और मेलरी दोनों भी नॉट सेफ रास्ते से चले जाते हैं। यहाँ पे हार्पर, इवान और मेलरी इन तीनों आगे बढ़ने के बाद इन ताबूत दिखाई देते हैं एक रूम में। ताबूत कुछ ऐसा था, ताबूत के उस पार एक और दरवाजा था जो दूसरे रूम में खुलता है और उस कॉफिन का मेन दरवाजा बंद होने के बाद ही दूसरा दरवाजा खुलेगा। अब तीनों भी एक एक करके ताबूत में जाकर दूसरी तरफ बाहर निकलते हैं लेकिन आखिरी में मेलरी जब जाती है तब उसके सर पे अजीब तरीके से मकड़ियां गिरने लग जाती हैं जिससे वो काफी पैनिक होती है लेकिन बड़ी मुश्किल से वो दूसरे साइड निकल आती है। अब आगे के रूम में तीनों को भी एक सुरंग दिखाई देता है लेकिन उस सुरंग में भी कुछ ट्रैप्स होते हैं, जैसे कि एक वक्त पे एक ही इंसान उस सुरंग से अंदर जा सकता है। अगर एक से ज्यादा लोग गए तो दोनों में से कोई एक नीचे के रास्ते गिर जाएगा, ये बात इन तीनों को भी पता नहीं थी। अब इवान पहले चला जाता है, उसके बाद हार्पर जाती है लेकिन हार्पर टनल से उतरे उसके पहले ही मेलरी अंदर चली जाती है जिसके कारण वो नीचे गिर जाती है। तो यहाँ दूसरी तरफ इवान और हार्पर दोनों भी मेलरी का वेट करने लगते हैं लेकिन उन्हें वो नहीं मिलती। अब हम नेथन, बेली और एंजेला को देखते हैं जो एक रूम से जा रहे होते हैं जहाँ पे दीवारों पर बहुत सारा तेल लगाया हुआ था, शायद ये भी एक तरह का ट्रैप था। अब आगे जाने पर उन्हें गेस द बॉडी पार्ट ये एक खेल मिलता है। अब सबसे पहले एंजेला अंदर हाथ डालती है तो उसके हाथ में कुछ अजीब सा फील होता है, मानो हमारे इंटेस्टाइन है लेकिन वो नूडल्स रहते हैं। उसके बाद नेथन खेलता है तब उसे अंगूर मिलते हैं। तो जब तीसरी बार बेली खेलने के लिए जाती है तब उसका हाथ कोई अंदर से खींच लेता है और जोरों जोरों से उसके हाथ पर वार करने लगता है। काफी मुश्किल से नेथन उसे बाहर खींच लेता है। यहाँ पे दूसरी जगह पे हम इवान और हार्पर को देखते हैं जो मॉडली का इंतजार कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पे एक हुडेड आदमी उन्हें दिखाई देता है जिसने डेविल मास्क पहना था। इसी आदमी को हार्पर ने पब में देखा था। वो आदमी इन्हें आगे जाने के लिए कहता है। दरवाजा ओपन करने पे अंदर उन्हें एक होल दिखाई देता है जो नीचे की तरफ जा रहा था और उसमें से
काफी डरावनी आवाजें आ रही थी, यानी उसके अंदर से जाना था। ये लोग काफी डर गए थे और दोनों भी नीचे चले जाते हैं और उन्हें वहां पे एक अजीब सा आदमी दिखाई देता है जिसने मास्क पहना था और वो चेनसॉ से इनके ऊपर वार करने आता है। लेकिन दोनों अभी भी इस चीज को मजाक में लेते हैं। अब आगे वो एक कमरे को खोलते हैं, तभी वहां पे उन्हें नेथन, बेली और एंजेला मिलते हैं और वो लोग चीखने लगते हैं कि दरवाजा बंद मत करो, लेकिन वो बंद हो गया था क्योंकि ये तीनों भी यहाँ रूम में कैद पड़े थे। बेली काफी रो रही थी क्योंकि उसके हाथ से अभी भी बहुत खून आ रहा था और अब इन्हें शक होने लगता है कि यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है, ये जगह सही नहीं है। तभी उनके सामने वापस वो औरत आ जाती है और इस बार वो प्लास्टिक बैग से मेलरी को निकालती है। वो वहां पे बेहोश पड़ी थी। सब लोग उसे जोर जोर से आवाज लगा के उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो औरत वापस एक गरम सलिया लेती है और मेलरी की बहुत ही बेरहमी से जान लेती है। अब ये देख सब लोग बहुत ही ज्यादा पैनिक होने लगते हैं और चीखने लगते हैं। काफी देर तक वहीं पे बैठ जाते हैं। आगे जाने का दरवाजा खुला था लेकिन इन्हें जाना नहीं था क्योंकि वहां पे किस तरह का खतरा है किसी को पता नहीं था। तभी हार्पर को याद आता है कि उसने पीछे के रास्ते में एक एग्जिट डोर देखा था, इसीलिए जिस डोर से आए उसी का लॉक खोलने की ये लोग कोशिश करते हैं। अब उसे तोड़ने के लिए इवान कुछ नुकीली चीज ढूंढने लगता है, तो वही नेथन आगे जाकर कोई मदद मिल रही है ये देखने के लिए जाता है। नेथन एक रूम में जाता है जहाँ पे कई सारे पुतलों के ऊपर सफेद कपड़े डाले हुए थे। उन्हीं में से एक आदमी पास आता है और उसे मदद करने के लिए तैयार होता है। एक नेथन काफी हैरान होता है और वो आदमी उसे कहता है कि वो उनकी मदद करना चाहता है, तो वो उसे दरवाजे के यहाँ पे लेके आता है। तब तक यहाँ पे इवान दरवाजा तोड़ ही रहा था, लेकिन तभी वो मास्क वाला आदमी उसे कहता है कि उसके पास उसकी चाबी है और वो चाबी से दरवाजा खोलता है। अब सब भागते हुए दरवाजे से बाहर जा रहे होते हैं, पर वहां पर उन्हें वापस एक दीवार दिखाई देती है और दीवार पर एक सुरंग होती है। वो मास्क वाला आदमी उन्हें कहता है, सुरंग के उस पार तुम सीधा इस फैसिलिटी से बाहर जाओगे जहाँ पे तुम्हारी दोस्त तुम्हारा इंतजार कर रही है। वो मैलरी की बात कर रहा होता है, लेकिन हमें पता है कि मैलरी की सच में मौत हुई थी, यानी ये इंसान भी उनकी कोई मदद नहीं कर रहा था। अब यहाँ पे सबसे पहले इवान सुरंग से बाहर निकलता है। वो सेफ होने के बाद वो दूसरों को आने का इशारा करता है और वो आगे फैसिलिटी से बाहर जाने का रास्ता ढूंढता है। तो यहाँ पे दूसरी जगह सबसे पहले मास्क वाला आदमी इस सुरंग से उसके पीछे जाने लगता है। अब यहाँ पे नेथन की बारी थी। वो जैसे ही सुरंग से जाने लगता है, यहाँ पे ये मास्क वाला आदमी वो बाहर निकलने वाले दरवाजे को सीधा सील कर देता है। अब नेथन बेचारा उस सुरंग में फंस गया था। सुरंग के बाहर बेली, एंजेला और हार्पर थी जो कि नेथन के जाने का इंतजार कर रही होती है। तभी वहाँ पर डेविल मास्क पहने हुए वो आदमी वापस आ जाता है और वो हार्पर को मार के गिराता है, लेकिन हार्पर वापस रूम से बाहर भाग जाती है। यही देख बेली और एंजेला डर के वापस उस सुरंग में जाने लगते हैं। तभी वो एंजेला को उस सुरंग से खींचते हुए निकालता है और उसे भी बहुत ही बेरहमी से मार देता है और वो हार्पर का पीछा करने लगता है। यहाँ पे बेली उस सुरंग में चली जाती है। अब सुरंग में दो इंसान होने के कारण नेथन उसी ट्रैप में फंसता है और वो नीचे गिर जाता है, तो वही बेली को कोई किडनैप करता है। यहाँ पे इवान अकेले ही बाहर आ जाता है और वो मोबाइल रखा हुआ बॉक्स ढूंढने लगता है जहाँ से उनके मोबाइल गायब हुए थे। तभी हम जोकर वाले उस इंसान को देखते हैं जो सबके मोबाइल से डेटा ले रहा होता है, तो वही जो फोन्स लॉक थे उन्हें ओवन में डालकर वो जलाने की कोशिश कर रहा था ताकि कोई भी सबूत ना बचे। यहाँ पे इवान अपने दोस्तों का इंतजार कर रहा था, तभी वहाँ पे वो मास्क मैन मिलता है जिसने इन लोगों की मदद की थी। वो इवान से पूछता है कि क्या तुम्हें मेरा चेहरा देखना है, और वो कुछ बताए उसके पहले ही वो अपने हथौड़े से बहुत ही बेरहमी से उसे मारता है और बाद में हथौड़ा उसके मुंह में अटका कर पूरा चेहरा फाड़ देता है। फिर वो अपना मास्क निकालता है, तब पता चलता है कि वो बहुत ही अजीब तरह से दिख रहा था, मानो वो नरभक्षी है। यहाँ पे हार्पर डेविल मास्क पहने हुए उस आदमी के शिकंजे में आ जाती है। वो भी अपना मास्क निकालता है, हम देखते हैं वो भी वैसा ही अजीब दिख रहा था, नहीं वाला होता है। लेकिन तभी वहाँ पे नेथन आता है और उसे मिली हुई एक गन के मदद से वो इस इंसान को मारता है। ये देख हार्पर वहाँ से भाग जाती है। अब यहाँ पर बेली, नेथन और हार्पर ही जिंदा थे, बाकी के सारे मारे गए थे। हार्पर को आगे जाने पर एक रूम में बकेट मिलती है जिसमें टॉर्च रखी हुई थी। वो जैसे ही टॉर्च निकालती है आसपास की सारी लाइट्स चली जाती है और हर तरफ अंधेरा होता है। आगे उसे काफी सारी छुरियां और अलग अलग हथियार टंगी हुई मिलती है जो कि एक रस्सी से बंधी हुई थी और एक आदमी उन रस्सियों को काट रहा था। अब उन छुरियों और हथियारों के नीचे से उसे जाना था। वो कैसे तैसे सुरंग से नीचे जाने लगती है, लेकिन उसके हाथ वहां पे चिपक जाते हैं क्योंकि वहां पे ग्लू लगा हुआ था और वो छुरियां कभी भी उसके ऊपर गिरने वाली थी, इसीलिए वो जोरों से अपने हाथ
हाथ खींचती है और हाथों की पूरी स्किन निकल जाती है, लेकिन वो चूड़ियां नीचे गिरने से पहले ही वो वहां से बच के आगे निकलती है। यहाँ पे हम नेथन को देखते हैं जो उस जोकर वाले रूम में आता है जो मोबाइल को डिस्ट्रॉय कर रहा था। उसे हार्पर का सेलफोन दिखता है और वो उस सेलफोन से हार्पर के बॉयफ्रेंड को उनका लोकेशन भेजता है मदद मांगने के लिए। तभी हम हार्पर के बॉयफ्रेंड को देखते हैं जो हार्पर का ही फोन ट्राई कर रहा था और लोकेशन आने के बाद उसे लेने के लिए वहां जाता है। यहाँ नेथन के रूम में वही सफेद कपड़ों वाला आदमी आता है, लेकिन वो मास्क पहन उसे मारे उसके पहले ही वो बचकर वहां से भाग जाता है और इस हंट हाउस से वो बाहर आ जाता है। यहाँ पे हार्पर को एक दरवाजा दिखाई देता है जिसपे एस्केप रूम लिखा हुआ था और वहां पे उसे काफी सारे क्लूज मिलते हैं जिसे सॉल्व करके वही पे रखी हुई वो चाबी निकालती है। लेकिन तभी वहां पे वही आदमी आ जाता है और उसे मारने लगता है, लेकिन हार्पर चाबी से उसकी आंखों पर हमला करती है और वो दरवाजा खोल देती है। लेकिन वो दरवाजा भी एक तरह का ट्रैप था और बहुत ही बड़ा गोली का धमाका होता है और हार्पर के कंधे पे गोली जा लगती है, लेकिन वो जख्मी हालत में आगे बढ़ने लगती है। वो आदमी उसे वापस मारने के लिए आता है, लेकिन तभी हार्पर की नजर जाती है कि वो गन वापस चलने वाली है। तभी वो उसे पकड़ती और उसके आंखों को दबोचने लगती है जिसके कारण उसका सर ऊपर जाता है और गोली सीधा उसके सर पे लगती है और वहां से वो बाहर निकलती है। तभी वापस एक हुडेड आदमी हार्पर पर हमला करने ही वाला था, लेकिन हार्पर डेविल मास्क मैन का जो हथियार था उससे इस आदमी को मार देती है। लेकिन वो इंसान और कोई नहीं बल्कि उन्हीं की दोस्त बेली होती है जिसके हाथ मुंह बांध के उसे भेजा गया था। दूसरी जगह सैम हार्पर का बॉयफ्रेंड इस फैसिलिटी तक पहुंच जाता है एक बैक गेट से और वो अंदर आता है। उसे ये जगह अजीब लगती है, इसीलिए वो 911 को इमरजेंसी मैसेज डालता है। लेकिन आगे जाने पर लेकिन वो एक ट्रैप में फंस गया था जहाँ पे एक रस्सी पे पैर पड़ने के कारण काफी जोरों से एक स्क्रू उसके गर्दन में जा घुसता है और तभी वहाँ पे वो जोकर आके उसे मार देता है। यहाँ पे नेथन को वही हुडेड आदमी मार रहा था, लेकिन हार्पर वहाँ पे पहुंच कर उसे बचा लेती है और दोनों भी वहाँ से भाग ही रहे थे। तब उन्हें वापस एक हुडेड फिगर मिलती है, लेकिन वो और कोई नहीं बल्कि एक नॉर्मल इंसान था जिसे ब्लैकमेल किया जा रहा था। अब वो इनसे मिन्नतें करता है और इन्हें बाहर जाने का रास्ता दिखाने ही वाला था, तभी दूसरा उन्हीं अजीब आदमियों में से आके उसे मार डालता है, लेकिन हार्पर उसे गन से मार देती है। तभी नेथन और हार्पर दोनों भी बाहर आते हैं। एक और आदमी इन पर हमला करता है, लेकिन हार्पर उसे भी मार देती है। अब जैसे ही हार्पर बाहर आती है तब वो औरत आ जाती है जिसने मैलरी को मारा था, इसके कारण नेथन दरवाजे के नीचे ही ट्रैप होता है। लेकिन जैसे ही वो औरत हार्पर को मारने के लिए आगे बढ़ती है, नेथन उसके पैर पकड़ लेता है और हार्पर बेसमेंट के ही लोहे के दरवाजे से उसे मार देती है। ये औरत भी बाकी लोगों की तरह ही इंसान को खाने वाली औरत लग रही थी। यहाँ पे इनकी गाड़ी को डिस्ट्रॉय कर दिया गया था, इसीलिए कंपाउंड से ये लोग बाहर जाते हैं। वापस इन दोनों के ऊपर हमला होता है कि नेथन अपने बेसबॉल बैट से उस आदमी को मार देता है। अब दोनों भी कंपाउंड के बाहर आ जाते हैं, लेकिन तभी उन्हें हार्पर के बॉयफ्रेंड की कार मिलती है जिसमें हार्पर और नेथन उसकी गाड़ी लेके वहां से भाग जाते हैं। लेकिन थोड़ी दूरी पर उन्हें पुलिस एंड एम्बुलेंस आते हुए सुनाई देते हैं जिन्हें सैम ने ही बुलाया था और ये दोनों भी बच जाते हैं। तो यहाँ पे जो फैसिलिटी रहती है उसको हम आग लगते हुए देखते हैं। दरअसल इन लोगों का एक साथी जो जोकर था वो बच गया था और वो इस पूरी जगह को आग लगा देता है, लेकिन इस जोकर के पास सबके एड्रेस एंड इंफॉर्मेशन थे, इसीलिए कुछ दिनों के बाद जब हार्पर ठीक होके घर वापस आती है तब वो उसे मारने आता है। लेकिन हार्पर को ये बात पता थी, इसीलिए उसने अपने घर पे पूरी तरीके से ट्रैप बिछा के रखे थे। जैसे ही जोकर उसके घर में आता है उसके पैर सुपर ग्लू में फंस जाते हैं और काफी दिक्कतों के बाद जब वो खुद को छुड़ाता है तब एक सामने वाली कील से जाके उसका सर टकराता है। पीछे से हार्पर आके उसे मारती है और इसी तरह हार्पर और नेथन बच जाते हैं। दरअसल ये मेरे ख्याल से इंसान को खाने वाले लोग थे, लेकिन हार्पर और नेथन इन सब में बच जाते हैं। आपको ये मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।